इंस्टाग्राम रील्स पर फ्लिकर फ्लैशिंग वीडियो कैसे बने। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही है कि सर हम फ्लिकर फ्लैशिंग वाला रील्स वीडियो कैसे बनाए, तो आज वही बताने वाले हैं कैसे आप बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है BNF। फ्रेंड्स, ये क्यों सर्च करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी कमेंट आ रही है इस पर। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बहुत से लोग कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो इंस्टाग्राम रील्स पर फ्लिकर फ्लैशिंग वाला वीडियो बना रहे हैं तो अच्छे से चल नहीं रहा है, फ्लिकर जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम अब नहीं होगी इस तरीके से अगर फ्लिकर फ्लैशिंग वाला वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या करना है, BNF को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको प्लस बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फोटो पर क्लिक करना है। अब अपनी जिस भी फोटो से फ्लिकर फ्लैशिंग वाला रील्स वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लास्ट में आना है, फोटो के लास्ट में, और जैसे ही लास्ट में आएंगे एक ब्लैक पट्टी दिखेगा, इसको डिलीट कर देना। अब अपनी फोटो पे क्लिक करना है, फोटो की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है, कम से कम 15 सेकेंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 सेकंड कर लेता हूँ साइज को, आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहते रख सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप 15 सेकंड ही रखें, 15 सेकंड अच्छा रखता है, ठीक है। तो मैं 15 सेकंड का लेंथ कर लिया। अब करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आपको आ जाना है यहाँ पर ऊपर की तरफ। ऊपर यहाँ पर दिखेगा, देख सकते हैं फोटो के जैसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा टैप टू ऐड स्टिकर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, यहाँ पे वीडियो फोटो लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब अपनी उसी फोटो को दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये फोटो आपके फोटो के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, अपनी इस फोटो की साइज को उतना ही बड़ा कर लेना है जितना बड़ा आपका फोटो लेंथ नीचे वाला है, ठीक है। तो इतना बड़ा इसको भी कर लेना है, तो ये दोनों एक साइज की हो गई। अब आपको करना क्या है, ये जो फोटो है ना, आपने फोटो के ऊपर कोई फोटो लाया, इस फोटो की साइज को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आपको फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है, क्रॉप का ऑप्शन मिलने लगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 960 रेशियो दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद से आपकी फोटो की साइज क्रॉप थोड़ा हो जाएगा ताकि देखने में ऑसम सा लगे। अब अपनी फोटो को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद से अब सिंपल आपको करना है, आपकी ये जो फोटो है नीचे वाला इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ, इस पर क्लिक कर लेना और इसको जीरो कर लेना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देंगे यहाँ पे आपके फोटो पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। एफएक्स इस पर क्लिक करना, मैं दिखा देता हूँ, इसको स्टार्टिंग से कर लेना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, देखिए इसको साइज को और बड़ा कर लेना है, ओके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी भी, हाँ यहाँ पे क्लिक किया, एफएक्स पे क्लिक किया, इसकी साइज को और बड़ा कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 सेकंड तक ये बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेना है और ओके कर देना। जैसे ओके कर देंगे देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हमारा ये फ्लिकर चलेगा। तो आपको करना क्या है, ये 3 सेकंड तक चलेगा तो आपको 2 सेकंड कुछ मतलब 3 सेकंड में थोड़ा कम ही रहे तो आपको यहाँ पर लाना है इस लाइन पर, व्हाइट वाले लाइन पर, और यहाँ पर लाने के बाद से आपको इसको स्प्लिट कर देना, ठीक है, कट कर देना, और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है। डिलीट करने के बाद से आपको ये जो आगे वाला पार्ट है ना, देखिए यहाँ पे ये जो आगे वाला पार्ट है ये 2.52 सेकंड का है, यानी 3 सेकंड में 50 कम है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और इस पर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर से इस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर से क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना। जैसे डुप्लीकेट पे आपको क्लिक कर लेंगे तो ये आपका लगभग 15 सेकंड का हो जाएगा, यानी उतना ही बार आपको क्लिक करना है जितना बार में ये 15 सेकंड हो जाए। तो यहाँ पे 15 सेकंड हमारा हो गया, ठीक है। अब इस जो ऊपर वाला हमारा फोटो है ना, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इसका लेंथ हम पूरा बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा हमारा नीचे वाला है, ठीक है, इतना बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं कितना स्मूथली यहाँ पे चल रहा है। अब ये हमारा लैग नहीं करेगा, ये स्मूथली चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको करना है और यहाँ पे कई सारा इफेक्ट भी आप लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो तो बट ये हम लोग बस इतना ही सीखना था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाने के बाद से सिंपल शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 1080p 60 और इसको इतना पे कर लेना है, ठीक है, ओके कर देना। जैसे ही ओके कर देंगे ये जो वीडियो है ना आपकी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा, ठीक। अब आपको आना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आने के बाद से यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको प्लस बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रील वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे रील वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे ब्लू कलर में प्लस बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और जो भी वीडियो आपने एडिट करके सेव किया है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वीडियो आ जाएगा, ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं इस पर गाना वगैरह
वगैरह लगाना, तो यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारा गाना दिख जाएगा, वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप सर्च म्यूजिक पे क्लिक करके अपने पसंद का कोई भी गाना यहाँ से लगा सकते हैं। लगाने के बाद से सिंपल आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इफेक्ट भी आप चाहें तो इस पे और लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट दिखेगा जो आप चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट हमारे फोटो पे चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप कोई भी इफेक्ट अपने फोटो पे मत लगाइए, नॉर्मली रहने दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सिंपल देखिए गाना चल रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे जो भी आपको लिखना है कैप्शन में तो आपको लिख लेना है। तो जैसे कि गाना है दिल जले का, तो मैं यहाँ पे लिख लिया दिल, बस लिखने के बाद से यहाँ पे हैशटैग लगा लेंगे, उसके बाद से शेयर पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही हम थोड़ा सा वेट करेंगे हमारा ये रील्स वीडियो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शेयरिंग टू रील लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो देख सकते हैं हमारा जो रील्स वीडियो अपलोड हो चुका है और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बता दूँ, ये जो है फ्लिकर ना, अब ये फ्लिकर लैग नहीं करेगा और चलता भी रहेगा, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना ऑसम लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको रील्स पे फ्लिकर फ्लैशिंग वाला वीडियो बना रहे हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।